हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आप सभी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज, अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रति वर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वह राशि क्या है। जब हमें 5% अधिक होती है ना दर, तो रुपया कितना मिलता है अधिक, 135। तो हमें यह पता लग गया कि 5% अगर अधिक मिलेगा तो रुपया 135 अधिक मिलेगा, तो 5% की जो वैल्यू है वो 135 रुपए के बराबर है। अगर दर हमें 5% अधिक मिलेगी तो रुपया 135 अधिक मिलेगा, तो 5% की वैल्यू 135 रुपए के बराबर है। तो हम पहले 5% का मान से 1% का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 135 में 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास 1% का मान हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 1% का मान है, इसको मैं चाहूं तो कटा सकता हूं। 5 × 10 = 10, 3 × 35 = 35, 5 × 7 = 35। अब मेरे पास 1% का मान मुझे पता है कितना है, 27 है, और हमसे पूछा क्या है, वह राशि क्या है, यानी कि जो भी राशि होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। हमें 100% का मान निकालना है। 1% का मान 27, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, 2700 हो जाएगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपए अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या है। यह सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो आपको परेशान करने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो गया। ठीक है, तो पहले 5 वर्ष का समय थे 7 वर्ष हो गया, 5 वर्ष से बढ़ के 7 वर्ष हो गया, तो कितना बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ गया। भाई 5 से बढ़ के 7 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष ही तो बढ़े हम। अब हमारे पास 1 वर्ष का रेट 8% है और हम 2 वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बढ़ गए हैं, तो 1 वर्ष का 8, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 16। कितना है, 2 वर्ष का रेट हमारे पास 16 हो जाएगा। 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपए अधिक प्राप्त होता है, याद रखना। हमारे पास 2 वर्ष अधिक हो गए ना, जब 1 वर्ष का रेट 8% बढ़ेगा तो 2 वर्ष का रेट हमारे पास 16% हो जाएगा, तो 16% हो गया। हमारे पास वृद्धि जो प्रतिशत में हो रही है ना दर में, वो 16% की हो रही है। भाई 1 वर्ष में 8% बढ़ेगा तो 2 वर्ष बढ़ गए, तो 2 वर्ष में 16% बढ़ गया, तो 16% हो गया। और साधारण ब्याज हमारे पास कितना बढ़ गया, 380 रुपए बढ़ गया, यानी कि 380 रुपए अधिक प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब 380 रुपए बढ़ के प्राप्त हुआ है, तो 16% की वैल्यू कितनी है, 360 रुपए। तो 1% का मान यहां पर आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 1% 360 में क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये 1% का मान हो गया। अब ये हमारे पास जब 1% का मान है, हमसे पूछा वह राशि क्या है, मतलब 100% का मान उसने पूछा है। अब आप क्या करोगे, या तो इससे इसमें डिवाइड कर लो, पहले 1% का मान निकाल लो, फिर जो 1% का मान है उसमें 100 से गुना करोगे, तो ये भी तो 1% का ही मान है, इसी में डायरेक्ट 100 से गुना कर दो, डायरेक्ट इसी में 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए, 4 से कटेगा, 4 × 16 और 4 से ये कटेगा 25 बार में, और 4 से 36 कटेगा 9 बार में, और 1 ये 0 यानी कि 90। अब दोनों का इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 का मल्टीप्लाई अगर 9 से करूंगा तो 225 होता है, और 1 ही 0, 2250। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते, मूल राशि क्या है। अब यह सवाल बहुत अच्छा है। देखिए यहां पे कितने समय की बात बोली है, 5 वर्ष की। हमारे पास 1 वर्ष का जो रेट है वो 3% अधिक है, तो 5 वर्ष का कितना अधिक हो जाएगा, 1 वर्ष का 3, तो 5 वर्ष का कितना, 3 × 5 = 15, तो कितना रेट अधिक हो जाएगा, 5 वर्ष का 15% हो जाएगा। और हमें देखो रुपया कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, 105 रुपया अधिक, तो 15% की वैल्यू 105 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो जब ये 15% की वैल्यू है, तो आप 1% की निकाल लो। कैसे निकालोगे, 105 में 15 से डिवाइड कर दोगे आप, ये 1% का मान है। हमसे पूछा है मूल राशि क्या है, मूल राशि का मतलब है 100% का मान, तो 100% का मान क्या करोगे,
ये 1% का मान है, 100 का निकालने के लिए 100 से यहीं पे गुना कर दोगे आप, 15 से 105 कटेगा, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 7 बार में कटेगा, और 7 का मल्टीप्लाई जब 100 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 700। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 700 रुपये। क्लियर हो गया सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8% साधारण ब्याज की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा, कितना धन? अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं इस प्रश्न में, आपको क्या करना है, कितना धन, जो भी धन होगा वो अपने आप में आप जानते हैं 100% होगा, जितना भी धन रहे वो अपने आप में 100% होता है। अब 8% की दर से 5 वर्ष में, यानी कि एक साल का रेट मेरा 8% रहेगा तो 5 साल का रेट कितना हो जाएगा, एक साल का 8 तो 5 साल का 8 × 5 = 40, तो रेट मेरा 40% हो गया ना, 40% हो गया, तो 100 में मैं क्या करूंगा 40% जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया 140। क्लियर है ना इतनी बात? भाई कोई राशि मेरी 100% है और उस पर मुझे 40% का ब्याज लगेगा तो मेरी राशि 140 हो जाएगी, और मेरे पास राशि रियल में कितनी हो रही है, 11,200 रुपए हो रही है, कितनी हो रही है 11,200, तो मैं क्या करूंगा इस 11,200 में डिवाइड कर दूंगा। चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं जो पहले कर रहा था, 100% मेरी राशि है, 40% ब्याज मिलेगा तो 40% बढ़ेगी, राशि हो जाएगी मेरी 140, तो प्रतिशत में राशि मेरी 140 हो जाएगी, और जबकि रियल में राशि मेरी कितनी दे रखी है 11,200, तो मैं क्या करूंगा 1% का मान निकालने के, ये तो 140% का मान है, 1% का मान निकालने के लिए क्या करूंगा इस 11,200 में इस 140 से डिवाइड कर दूंगा, तो देखो वही मान आ गया निकल के जो मैं डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने फिर से इसको बताया शुरू से ताकि जो तरीका मैं बताता हुआ आ रहा हूं आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मेरे पास 1% का मान हो गया, मुझे चाहिए 100% का मान, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, बस सवाल खत्म। देखो 10 से यहां पे 10 में ये कटा दूंगा, 2 से कटेगा 7 बार में और 2 से कटेगा ये 5 बार, अब 7 से कटाऊंगा मैं तो 7 से कटेगा ये 7 × 7 = 7, 4 बचेगा 42, 7 × 6 = 42 और 20 मतलब 1600, 1600 × 5 = 80 और 20 ये वाले 8000 रुपए सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया सभी को ये प्रश्न? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों साधारण ब्याज में करा दिया, अब चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करा रहा हूं। आज के वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों क्वेश्चन हैं, तो साधारण ब्याज मैंने करा दिया, अब चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न शुरू हो गए। प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाता है, 25 वर्षों में यह कितना गुना बन जाएगा? आपने बहुत सारे तरीका देखे होंगे, एक तरीका यह भी देखा होगा कि आपको क्या करना है, समय का करना है पहाड़ा, गुना की करनी है घात, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने भी ये तरीका बहुत बार बताया है और उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे सरल तरीका है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तरफ तो वर्ष लिख लेना है, एक तरफ आपको गुना लिख लेना है, वर्ष का क्या करते हैं पहाड़ा, ठीक है, और गुना की करते हैं घात। अब इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये मैं इधर समझाता हूं, जैसे आप वर्ष करोगे और इधर गुना लिखोगे, ठीक है, वर्ष और गुना, वर्ष का क्या करेंगे पहाड़ा, ठीक है, वर्ष का करेंगे पहाड़ा, गुना की करेंगे घात, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होना जरूरी है। आपके पास बोला गया 15 वर्षों में कितने गुना है 27 गुना, यही तो है, 15 वर्षों में कितना है 27 गुना, तो आपसे बोला 25 वर्ष में ये कितने गुना बन जाएगी ये नहीं पता, तो 15 वर्ष में जब 27 गुना है, अगर 27 की मैं बात करूं तो ये 3 की पावर 3 होता है, यानी कि 3 की पावर 3, हम घात करते हैं ना, गुना का करते हैं घात, तो 3 की पावर 3 करूंगा, यानी कि 3 की घात 3 करूंगा, 27 हो जाएगा। अब वर्ष का हम करते हैं पहाड़ा, अगर मैं वर्ष 15 का पहाड़ा करूंगा तो 15 के पहाड़े में तो 25 आएगा नहीं 30 आएगा, तो ये 25 कैसे हो गया? यही कंफ्यूजन बहुत से बच्चों का सवाल गलत करा देता है, आज के बाद गलत बिल्कुल मत करना, समझ लीजिए मेरे पास क्या है, ये 15 है, 15 ये 25 है, ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, दोनों 5 के में आते हैं, देखो 5, 10, 15, 20 कहां तक जाना है मुझे, 25 तक जाना है, क्योंकि 25 वर्ष में पूछा है, और मुझसे ये बोला गया है 15 वर्ष में कितनी हो रही है 27 गुना, 27 का मतलब 3 की पावर 3, क्योंकि हम गुना का क्या करते हैं घात, ठीक है, तो 3 की घात 3 का मान 27, यही तो बोला गया है। अब देखो यहां पे जब 15 वर्ष में 27 है, 3 की घात 2 है, तो 10 जब पावर 10 होगी तो कितनी होगी 3 की घात 2 होगी, 3 की घात 2 का मान 9, और जब 5 वर्ष में कितनी होगी 3 की घात 1 और 3 की घात 1 का मान 3,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ष का देखो पहाड़ा हो रहा है, 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25 गुना की घात भी हो रही है, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, अब क्या होगा 3 की घात 4, और अब क्या होगा 3 की घात 5। तो हमें तो 3 की घात 5 का मान बताना है, 25 वर्ष में पूछा ना, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मान बताना है। तो 3 की घात 5 का मान होता है 243, 3 की घात 5 का मान 243 होता है, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के दे दे तो आप परेशान ना हो, जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे कर लीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित राशि 7.5 वर्ष में 6400 रुपये और तथा 15 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। आपको मूलधन पता करना है ना, प्रिंसिपल पता करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, आज तक आपने शायद ना सीखा हो, प्रिंसिपल पता करना। तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट 1 का स्क्वायर अपॉन अमाउंट 2 कर देना है, सवाल यही खत्म है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रिंसिपल हमें क्या करना है, पता करना है अमाउंट 1 का स्क्वायर, अमाउंट मतलब पहले वाला अमाउंट हमारा 6400 है ना, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब है इसको दो बार लिख दो, ठीक है, दो बार लिख दिया। A2 यानी कि अमाउंट टू कितना है आपका, 8000 रुपया है, अमाउंट टू आपका 8000 रुपया। इसको सरल कर लीजिए, बस देखो दो जीरो से तो ये वाले दो जीरो कट गए हैं और ये वाले दो जीरो एक जीरो से ये कट गया, 8 8 64 कट गया, 8 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 चौके 32 का 2 कैरी का 3, 8 छिंग 48 में कैरी का 3 जोड़ देंगे 51। तो प्रिंसिपल भाई कितना निकल के आ गया, 51120। 5-6 मिनट लगने वाले सवाल को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में कर लोगे आप। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, और मैं जो तरीका बता रहा हूं 1 मिनट से कम समय आपको करना जरूरी है कोई भी सवाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने से 243 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन, कितने समय में 243 गुना हो जाएगा यह सवाल दिया गया। देखिएगा ऐसा प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सवाल ये बहुत अच्छा है। देखिएगा यहां पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया एक तरफ तो आपको वर्ष लिख लेना है, एक तरफ आपको गुना लिख लेना है, यही तो बताया। वर्ष का क्या करते हैं आप पहाड़ा, और गुना की करते हैं घात, ठीक है। वर्ष कितना दिया गया हमारे पास, 8 वर्ष का, 8 वर्ष में कितना बोला गया है, 3 गुना हो गया। तो गुना की क्या करते हैं घात, तो घात 1 कर दो, तो 3 की घात 1 का मान 3, ठीक है। हमें कहां तक पहुंचना है, 243 गुना तक। तो 8 का हम क्या करेंगे, पहाड़ा करेंगे, 8 का पहाड़ा करेंगे तो 8 का पहाड़ा कितना हो जाएगा, 8 दुनिया का 16, यहां घात 2 हो जाएगी, 3 की घात 2 का मान 9 होता है। पहाड़ा का और आगे बढ़ाइए 24 हो जाएगा, घात को और आगे बढ़ाइए 3 की बाद 3 का मान 27 हो जाएगा, पहाड़े को और आगे बढ़ाइए 32 हो जाएगा, घात को और आगे बढ़ाइए 3 की पावर 81 हो जाएगा, पहाड़े को और आगे बढ़ाइए 40 हो जाएगा, और 3 की घात 5 हो जाएगा, और 3 की घात 5 का मान क्या होता है, 243 होता है, जो मैं आपको एक सवाल में इसी वीडियो में बता चुका हूं कि 3 की पावर 5 का मान 243 होता है। तो ये क्या है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब, कर लोगे आसानी से। अब चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन, इस सवाल को हमें करना है। 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, एक तरफ तो लिखिए वर्ष, एक तरफ लिखिए गुना। वर्ष का क्या करते हैं पहाड़ा, और गुना की करते हैं आप घात। 15 वर्ष दिया गया है, 15 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुना, तो गुना की घात करोगे तो 2 की घात 1 करोगे तो मान 2 ही रहेगा, ठीक है। कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, पहाड़े को आगे बढ़ाइए 15 का पहाड़े आगे बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, इधर घात को आगे बढ़ाएंगे 2 की घात 2 का मान 4 हो जाएगा, पहाड़े को और आगे बढ़ाइए 15 को पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे 45 हो जाएगा, इधर घात को आगे बढ़ाएंगे 2 की घात 3 का मान 8 हो जाएगा। बोला क्या गया था, अपने से 8 गुना हो जाए, तो 8 गुना तो हो गई, कितने समय में हुई 8 गुना, 45 वर्ष में। मतलब डी ऑप्शन सही जवाब है। लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।